हेलो फ्रेंड, मैं शशि मिश्रा। मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो है मिल्क केक, पेड़ा मिल्क केक। मैंने अपने चैनल पे बनाया है, जाकर देख लेना आप अगर आपको देखना है तो। ऐसे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा, पसंद सबको मिल्क केक पसंद आता है, आपने बहुत ही खाई होगी और बनाया भी होगा। लेकिन ये जो मिल्क केक पेड़ा है थोड़ा हट के है और बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर कुछ मीठा खाने का मन है या कोई गेस्ट घर में आ रहा है, तुरंत बनने वाला ये मिल्क केक पेड़ा और बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी तो है ही, तो आप झटपट इसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए क्या क्या लेना है। इसको बनाने के लिए फुल फैट दूध 1 लीटर है, चीनी है, और मेन जो इसका इंग्रेडिएंट है वो है काजू दरदरा कूटा हुआ और बादाम दरदरा कूटा हुआ। इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, इससे इसे कूटने में बहुत आसानी होती है। अगर इसे बिना ड्राई रोस्ट किए कूटेंगे तो ये चिपचिपा सा होगा और कूटता नहीं है, तो मिक्सी में इसे पीसने की ज़रूरत नहीं है। मामदस्ता या किसी भी चीज़ से इसे कूट ले, लेकिन हमें पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा कूटना है। और ये गार्निशिंग के लिए मैंने साबुत नहीं, हाफ वाले जो काजू होते हैं टुकड़े वाले वो लिया है, इलायची पाउडर और एक नींबू, नींबू का रस निकालेंगे, जितना हमें डालना है उतना डालेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक साबुत लिया है। और लेंगे देसी घी। तो सबसे पहले हम दूध को उबालेंगे। तो दूध को उबालने के लिए जिसे हमें पेड़ा बनाना है, कोई बर्तन लेंगे। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो लोहे की कढ़ाई में ही आप बनाएं, बहुत ही अच्छा बनता है। हलवाई लोग भी लोहे वाली कढ़ाई में ही पेड़े वगैरह बनाते हैं, कोई भी मिठाई खोए वाली होती है उसी में वो बनाते हैं। कलर भी अच्छा आता है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो दूध चिपके ना, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। थोड़ा सा देसी घी ले लें और कोई भी बर्तन है या कढ़ाई है या कोई पतीला है उसको अच्छे से थोड़ा ग्रीस कर ले चारों तरफ घुमाते हुए। इससे हमारा जो दूध है तले में पकड़ता भी नहीं है, चिपकता भी नहीं है और आसानी से चलाने में वो चल जाता है और जलता भी नहीं है। तो ये ग्रीस कर दिया है मैंने, अब इसमें हम डाल देंगे दूध। तो दूध मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। जब तक दूध में उबाल नहीं आता तब तक हमें गैस का जो फ्लेम है हाई रखना है। जब दूध में उबाल आ जाए तो गैस को मीडियम टू लो पर करते हुए हमें दूध को उबालना है। तो चलिए हम हाई फ्लेम करके दूध को उबालते हैं, जब तक उबाल नहीं आ जाता। तो ये देखिए दूध में उबाल आ गया है। दूध को हमें तब तक उबालना है, उबाल कर गाढ़ा करना है, जब तक हमारा दूध 50% गाढ़ा ना रह जाए तब तक हम इसे उबालते रहेंगे। तो दूध ध्यान रखें, दूध को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर गाढ़ा करना है। अगर हाई करेंगे तो दूध उबल कर बाहर गिर जाएगा और ये जलने की संभावना है, नीचे से ये पकड़ लेगा। ये नहीं सोचिए कि हमें इसे ग्रीस कर दिया है घी से तो दूध तले में नहीं पकड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हाई फ्लेम कर देंगे और हट गए, वहाँ नहीं रहे, ध्यान नहीं दिया तो दूध नीचे पकड़ भी सकता है। तो इसलिए इसे ध्यान देना है और इसे चलाते रहना है बीच बीच में, और जैसे ही उबाल आ जाए तो इसे फिर लो कर दीजिए। ऐसे ही हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर दूध को गाढ़ा करके 50% तक उबालना है। तो ये देखिए दूध उबल कर गाढ़ा होकर हाफ क्वांटिटी से भी थोड़ा कम हो गया है, कोई बात नहीं, चलता है। थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इसे हाफ ही करना होता है। थोड़ा सा ज़्यादा ये गाढ़ा हो गया है और इस स्टेज पर हम इसमें क्या करेंगे। देखिए लच्छे तो इसमें बने हैं लेकिन दाने नहीं बने हैं, हमें इसमें दाने लाने हैं, क्योंकि जैसे हम मिल्क केक खाते हैं ना दानेदार होता है, तो वैसे ही ये मिल्क केक पेड़ा है तो इसमें भी दाने होने चाहिए। तो लच्छे तो बने हैं लेकिन दाने नहीं बने हैं, तो दाने बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस स्टेज पे आप इसमें डाल दीजिए नींबू का साथ 6 से 7 दाने, अगर वो भी नहीं है तो दही 1 चम्मच डाल दें, अगर दही भी नहीं है तो नींबू के कुछ बूंदे इसमें डाल दें। इसे हमें जैसे हम पनीर छेने फाड़ते हैं ना पनीर बनाने के लिए या रसगुल्ले बनाने के लिए, वैसे हमें पनीर नहीं फाड़ना है, बस थोड़े कुछ बूंद नींबू का रस डालना है जिससे इसमें दाने बने। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है नींबू का रस, इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ डालते जाना है। थोड़ा रुक जाएंगे और 3 से 4 मिनट इसे हमें चलाना है, फिर थोड़ा सा मैं डालूँगी। तो ऐसे ही इसे चलाते रहें ताकि जो नींबू का जूस है चारों तरफ फैले और इसमें धीरे धीरे दाने बने। डायरेक्ट हमें एक ही बार सारे नींबू का रस नहीं डालना है। 2-3 मिनट हो चुके हैं, फिर थोड़े से चारों तरफ फैलाते हुए डाल देंगे और फिर इसे हम चलाएंगे। तो ये देखिए इसमें दाने आने लगे हैं, जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता जाएगा दाने वैसे वैसे दिखते जाएंगे
और हमें जैसे कई लोग होते हैं जैसे हमें दूध उबाल आ गया और उसी में नींबू डाल दिए और वो दूध जो है हल्का सा फट गया, दाने भी बन गए लेकिन वही जो है हार्ड बन जाते हैं दाने, तो वैसे हमें नहीं करना है, दाने हार्ड नहीं करने, बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, मुँह में खाने पर घुल जाए, तो वैसे नहीं करना है जैसे मैंने बताया है। वैसे अगर आप नींबू डालें तो जो दाने हैं सॉफ्ट बनेंगे, हमारा एक एक पेड़ा भी हार्ड नहीं बनेगा, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो ये देखिए दाने अब धीरे धीरे बनने लगे हैं और अब हमें इसमें डाल देना है ये कूटा हुआ काजू और इसे भी अच्छे से मिक्स करना है, गुठलियाँ ना रह जाए इसीलिए चारों तरफ से अच्छे से स्पैचुला से इसे चलाएं और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रहे इस स्टेज पे, नहीं तो दूध नीचे से पकड़ने लगता है। तो ये देखिए दाने बनने शुरू हो गए हैं और गैस का फ्लेम ध्यान रखें बिल्कुल लो रखें और इस स्टेज पे हम डालेंगे चीनी। चीनी डालें हम थोड़ा थोड़ा चीनी आपको डालना है, अगर एक ही बार चीनी डाल देंगे तो इसका जो पानी है, पानी छूटने के बाद हमें दूध को ज़्यादा देर तक जलाना होगा जिससे कि जो दाने हैं हार्ड हो जाएंगे, तो ऐसा हमें नहीं करना है, इसलिए चीनी को थोड़ा थोड़ा करके डालें और जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए फिर दोबारा डालें और जितना चीनी आपको डालना है अलग रख लें और उसको थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर पर जैसे चीनी अच्छे से घुल जाए फिर दूसरी बार डालें, तीसरी बार डालें, चौथी बार डालें, लेकिन एक बार चीनी को नहीं डालना है। और अब डाल देंगे ये कूटा हुआ बादाम और ये कूटी हुई इलायची और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो फिर दूसरी बार डाल दें चीनी और फिर इसे घुलने तक इसे ऐसे ही यूं ही लगातार चलाते रहें। ध्यान रखें जब भी चीनी डालें फ्लेम हाई कर दे, इससे जल्दी से पानी सूख जाता है, अगर फ्लेम लो है तो पानी जल्दी नहीं सूखता है, तो इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखें जैसे जैसे चीनी डालते जाए फ्लेम हाई कर दें, जब पानी सूख जाए तो फिर लो कर दें और जब हाई करें तो इसे लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये तले में पकड़ लेगा या जल जाएगा। तो ये देखिए अब ये हमारा गढ़ा होने लगा है मावा, जब तक ये पेड़ा बनाने की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाए तब तक हमें इसे बनाना, और जैसे मिल्क केक का कलर होता है ना उसी कलर में हमें इसे घूम घूम कर बनाना है। तो चलिए ऐसे ही इसे हमें लगातार घूमते रहना है। तो ये देखिए अब गैस हम बंद कर देंगे, हमारा जो मावा है पेड़ा बनाने के लिए इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए और दानेदार बिल्कुल बहुत सा दानेदार बना है, और जब ये दिखे कि झाग झाग जैसा इसमें दिख रहा है तो गैस ऑफ कर दीजिए और इसे अब हम करेंगे ठंडा। ठंडा करने के बाद ज़्यादा ठंडा नहीं करना है नहीं तो ये जो मिक्सर है बिल्कुल हार्ड हो जाएगा तो हम पेड़े को नहीं बना पाएंगे। तो अब इसे रखेंगे ठंडा होने के लिए थोड़ा। ये देखिए हमारा जो मावा है, मावा का मिक्सचर रेडी हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहेगा, थोड़ा हल्का इसे हमें ठंडा रखना है, इसे जब पेड़ा हम बनाएं तो आसानी से बन जाए, टूटे नहीं। तो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेंगे, आपको क्या साइज़ रखना है छोटा या बड़ा रखना है, अगर आपके हाथ से ये थोड़ा सा लगे कि बन नहीं रहा है तो थोड़ा हाथ में घी लगा लें, लेकिन इसमें घी तो पहले से ही है तो इसे हम ऐसे ही थोड़े बड़े साइज़ के या छोटे साइज़ के पेड़े बना लेंगे। तो ये देखिए एक पेड़ा मैंने बना दिया, ऐसे ही हम सारे पेड़े बनाकर रेडी करेंगे, थोड़ा दबाएंगे और थोड़ा बीच में होल कर देंगे। आप चाहे तो काजू किशमिश बादाम किसी चीज़ से इसे गार्निश कर सकते हैं। तो ऐसे ही सारे पेड़े बनाकर रेडी करेंगे। तो लीजिए मिल्क केक पेड़ा रेडी है, बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही टेस्टी है खाने में। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, अगर ये अच्छी लगी तो इसे एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाकर खाइए और कमेंट करके बताइए कि आज की रेसिपी जो है मिल्क केक पेड़ा की कैसी है। अच्छी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।